यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है और समझिएगा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन ई पावर एक्स इक्वल टू 5 पावर x + 5 पावर -x इज. अब एक चीज समझिएगा ये पेपर ही था ऐसा जिसमें कि टाइम लग सकता था बहुत ही लॉजिकल जो मैं हमेशा से बोलता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि पेपर हमेशा लॉजिकल आता है और इस बार का पेपर स्टैंडर्ड पेपर नहीं था. नॉर्मली निमसेट में स्टैंडर्ड पेपर आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं सिंपल क्वेश्चन आते हैं पर इस बार सरप्राइजिंगली ऐसा था कि क्वेश्चन कुछ नए थे. अगर कंसेप्ट अच्छा है बेस अच्छा है तो आप कर सकते थे एक बात. दूसरी बात आपको ध्यान होगा संडे जो मैंने आपका टेस्ट पेपर लिया था वो एक सरप्राइजिंगली बिल्कुल डिफरेंट पेपर था वैसे ही देखो और उस समय बोला भी था कि अगर ऐसा पेपर आ गया तो क्या करोगे. तो आप देखिए आप जैसे अब ये क्वेश्चन है कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है पर कंसेप्चुअल है कोई भी उलझ सकता है क्योंकि आप देखिए ये 5 पावर x है 1/5 पावर x है. इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा जब x के प्लेस पे 0 रख दोगे और साइन x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 होती है. इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन आंसर होगा. यानी आप दो टॉपिक को एक साथ मिला के कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तो नो सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर मीन्स 0 इज अ राइट आंसर. राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या है और आप क्वेश्चंस को देख के किस ढंग से सोचते हैं इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा जरा ध्यान से. द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी. ओके पहले तो ध्यान रखिएगा द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी यानी जीपी जो है वो डिक्रीज हो रही है इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस x³ + 3x - 9 इन द इंटरवल -2, 3. क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ डिक्रीजिंंग जीपी इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx = x³ + 3x - 9 इन द इंटरवल -2 to 3 एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड सुनिएगा ध्यान से एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म इज f′0. डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म मीन्स सपोज a डैश टर्म क्या होते हैं a r² a r³ ऐसी सीरीज होती है इनफाइनाइट तक है. इसके टू टर्म का जो डिफरेंस है मतलब ये बोला हुआ है एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म इज f′0 वो f′0 के इक्वल है. देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी तो आपको जीपी का कॉमन रेशियो बताना है. ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं ध्यान दीजिएगा. अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप जरा समझिए क्वेश्चन क्या बोला. द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी डीपी डिक्रीज हो रही है डीपी सॉरी द सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन. राइट अब एक चीज समझिएगा. सबसे पहले तो आपको आर पूछा आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होती तो ये दो आंसर रिजेक्ट होगा. ये क्लियर है बात. अब बचे दो टर्म. अब डिक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लें उसके हिसाब से कि जीपी की वैल्यू कम होती जा रही है. हम आर उसको भी बता सकते हैं क्योंकि आर इन दोनों में से कोई एक होगा. अब जैसे एक एग्जाम्पल कि मैंने लिखा 1/2 1/4 1/8 ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. मान लो अगर ये निगेटिव होता -1/2 -1/4 -1/8 तो ये क्या है. अगर ध्यान दें तो इस समय ये टर्म अगर निगेटिव है अगर इसका कॉमन रेशियो लेंगे तो कॉमन रेशियो अभी भी अच्छा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव में ये हो सकता है पॉजिटिव. तो अभी हमारे पास ये चांसेस हैं कि या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा. अब क्वेश्चन करना आसान है. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 3x² + 3 जो कि 0 नहीं होगा. इसका मतलब यही जो 2 और 3 है इसी पे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी. तो -2 पे तो निगेटिव मिलेगा क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो +3 रख दीजिए 27 + 9 - 9 यानी 27. तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई 27. अब समझिए अब मैं अगर आपसे बोलूँ f′x बताइए तो आप बोलेंगे f′x = 3x² + 3. f′0 क्या होगा बेटा f′0 होगा 3 जो कि किसके इक्वल है ar - ak. राइट ar -
एक या डिफरेंस ऑफ टू टर्म बोला है. अब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. ए आर माइनस ए के जो कि किसके इक्वल हुआ, थ्री के. तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो आर माइनस वन इक्वल टू थ्री. अच्छा एक और बात बोली है कि इसका सम, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, ए अपॉन वन माइनस आर, वो किसके इक्वल है, इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू के, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 27. तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू रखना चाहूं तो क्या आ जाएगी, थ्री अपॉन वन माइनस आर इन टू आर माइनस वन इक्वल टू 27. राइट, ये ए की जगह रख दिया थ्री अपॉन. अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये एक तरह से ऐसा मिल सकता है मुझे माइनस ऑफ. अब देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो लॉजिकली सोचिए कि ऐसा कुछ मिलेगा, वन बाय नाइन इक्वल टू माइनस का आर वन माइनस आर का होल स्क्वायर. तो ये माइनस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा होगा, ये ए माइनस ए आर इक्वल टू थ्री, क्योंकि आपसे बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म इज एफ डैश जीरो. तो ए माइनस ए आर, तो ए कॉमन लिया तो वन माइनस आर इक्वल टू थ्री. तो इसमें खैर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो थ्री अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर. तो अब देखिए क्या आ गया, ये वन माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाय नाइन, यानी वन माइनस आर इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय थ्री. एक बार प्लस साइन ले लीजिए, तो वन माइनस आर इक्वल टू वन बाय थ्री, देन आर इक्वल टू वन माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री. और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा फोर बाय थ्री, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो गया टू बाय थ्री. अब आपको अपने आंसर पर जरा भी डाउट हो तो क्यों ना इसको वेरीफाई कर लें. इसीलिए मैंने आपसे बोला कि नॉर्मली क्या होता है, डिक्रीजिंग जीपी में आर अक्सर पॉजिटिव होता है, पर फिर भी हम कर लें. आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो हम क्यों ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ए इंटू वन माइनस आर इक्वल टू थ्री. यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, ए इंटू वन माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आर की टू बाई थ्री है, तो ये हो जाएगा वन बाय थ्री इक्वल टू थ्री. तो ए की वैल्यू आ गई नाइन. अब आपको ऐसी कोई सीरीज है नाइन, उसके बाद अगला टर्म जो होगा वो होगा 18 बाय 3, ऐसा चलता जाएगा नंबर वन थिंग. तो अब अगर आप देखें तो इसका समीशन a अपॉन 1 माइनस ऑफ r, r कितना है 2 बाय 3, तो 9 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3, ये 1 बाय 3, तो देखिए 27 पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन कि इनका अगर मैं डिफरेंस बोलूं तो 9 माइनस 18 बाय 3 दिस इज 27, तो 9 बाय 3 यानी 3 वो भी बैलेंस हो रहा है. राइट, वो भी बैलेंस हो रहा है एफ डैश जीरो के इक्वल, यानी सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है. हमने दो आंसर इमीजिएटली रिजेक्ट कर दिए थे, डिक्रीजिंग लिखा था इसलिए मेरे ये चांसेस थे कि नेगेटिव वाला नहीं होगा तो आप पॉजिटिव. पर आप क्वेश्चंस क्योंकि हमारे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो कहीं कंफ्यूजन है तो आप मैथड से भी कर सकते हो. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रल ऑफ रूट वन प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इन टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सॉरी प्लस है बीच में तो प्लस ले लीजिए, पूरा अंडर रूट के अंदर है डी एक्स, और यहाँ पर दिया है जीरो से पाई बाई टू के बीच में वैल्यू, वैसे ही इज कॉन्स्टेंट फंक्शन एन इक्वल टू. देखो कुछ इस तरह के ऑप्शन है. अब देखिए ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आपको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, पर आप याद करिए कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक जब पढ़ाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उस समय कुछ एक चीज़ें जो मैंने बोली थी, अब देखिए उसको कैसे यूज करते हैं, समझिएगा जरा. 4 log sin x by 2 plus c. अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि cosec x माइनस cot x लिखा है. एक चीज आपको पता है, cosec x माइनस cot x इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स वन होता है. इसका मतलब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वन होता है. अगर मैं आपसे बोलूँ उसको रैशनलाइज कर दो तो आपको नीचे मिलेगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. अगर आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपको कुछ पहली स्टेप ऐसी भी लिख सकते हो, मैं फिर स्टेप बताता हूँ. कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स. सारा खेल इस बात पर कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है. इसको अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूं तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. देखिए दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कहीं पे इंटीग्रेशन ना लिखूं तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं.
1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मिला लॉजिकली कॉट एक्स बाई 2, जिसका डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का कोफिशियंट 1 बाई 2 है, तो 2 टाइम्स आ गया, यानी करेक्ट आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग साइन एक्स बाई 2 इज अ राइट आंसर। अब देखिए पहली चीज, ये क्वेश्चन देख के हो सकता है लगे बहुत लंबा है, दूसरा ये चीज क्लिक भी कर गई तो स्टेप्स कितनी लिखी है इस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपसे बोला आप जरा ट्रिग्नोमेट्री का पहला सेशन देखिएगा, आपको ध्यान आएगा कि ये चीजें मैंने आपको बताई थी। आप बस इस पेपर में ये हुआ कि अब तक क्या होता था, डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते थे, पर इस बार ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड कम आए बल्कि आपको मिक्स प्रॉब्लम्स आई हैं, इसे बोलते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, की एक टॉपिक के साथ दो दो तीन तीन टॉपिक को एसोसिएट किया गया। देखिए अब मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे स्टेप से करना होता तो एक तो टाइम लगता और अननेसेसरी हम उलझ जाते। अब देखिए क्या है, 1 + 2 cot into cosec square x minus cot x, cot square x, sorry, upon cosec x minus of cot x, ये रैशनलाइज किया तो ये मिला आपको। अब ये क्योंकि 1 होता है, इसका एलसीएम लिया तो ये स्टेप मिली, cosec x plus cot x, इसको 1 upon sin x, cos upon sin, 1 upon sin x, cos upon sin, sin से sin cancel, 1 plus cos x upon 1 minus cos x, फिर इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से लिखा 2 cos square x by 2, इसको लिखा 2 sin square x by 2 एंड देन 2 से 2 कैंसिल, cot x by 2, cot x by 2 का भूल भी जाओ तो आपको याद ही रखना चाहिए था क्या, sin x by 2 अपॉन cos x by 2 dx, और इसको t मानो, सॉरी cos अपॉन sin, इसको t मानो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, बस 1 अपॉन 2 जो है वो साथ में आएगा क्योंकि इसका कोफिशियंट है, राइट। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, किस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारी बातें इस पर डिपेंड करती है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन और समझिएगा क्वेश्चन को। द टेंजेंट एट द पॉइंट, द टेंजेंट एट द पॉइंट, एट बोले तो कर पे ही होता पॉइंट, 2 - 2 टू द कर्व, टू द कर्व एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई डज नॉट पासिस थ्रू एट द पॉइंट, किस पॉइंट से और पास नहीं हो रहा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक अभी से बता रहा हूं क्या हो रही है, डज नॉट लिखा है तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, हो सकता है आप करने वाले पे आंसर लगा दें, केयरफुल इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। तो अब बोला डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट, ऑप्शन कुछ इस तरह के दिए हैं, -2 - 7 बी है -4 - 9 सी है 4 - 1/3 एंड डी इज 8.5। अब जरा इस क्वेश्चन को हम समझें तो सबसे पहले एक चीज समझें, क्या बोला द टेंजेंट एट द पॉइंट, आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो सिंपल, y - y1 = m (x - x1) ये आ गई। अब सिंपल m कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा, इस पूरी इक्वेशन को ऐसा लिख लो x² - 2x + 4y - 4 = 0। अब dy/dx निकालना आसान है, इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करिए जो बताया था, न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x के रिस्पेक्ट में क्या, तो 2x² - 2, अब विथ रिस्पेक्ट टू y तो 2x² + 4, पॉइंट रख दिए 2 - 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 - 2 = 14 अपॉन ये हो जाएगा -4, तो -16 + 4 यानी बेसिकली -14 / -12 यानी 7/6। तो इक्वेशन एक तरह से बेटा ये आ गई y + 2 = 7/6 × x - 2। अब जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो आंसर होगा, यहां पर मिस्टेक ये हो सकती थी, जो कर जाए आप उसी पे लगा दो, डज नॉट भूल जाओगे। ये छोटे छोटे कीवर्ड थे जिन पे मैं आपको हमेशा बोलता था कि हर एक चीज पे अंडरलाइन करो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा रहने दो, नहीं तो जिस फॉर्म में उसी में, मतलब इसको लिखने में ऐसा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपने पहले ऐसा लिखा 7x - 14
फाइनली 7x माइनस 6y इक्वल टू 26। इस फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म में रख दें। अब जैसे आपने ऑप्शन ए रखा, x के जगह माइनस 2 रखा, तो 7/6 माइनस 2 माइनस 2, ओवरऑल रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अब देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है, 7/6 माइनस 4, तो ये और यहाँ पर आपने रखा माइनस 7, तो ये 5 के इक्वल तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आंसर नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हो सकता है यही आंसर हो। अब आप बी पे आए, तो जब आप बी पे आओगे तो देखो क्या होगा, 7/6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो मिला माइनस 7, माइनस 9 प्लस 2 7, ये कर रहा है सेटिस्फाई, ये नहीं होगा, अक्सर ये लगा सकते थे। इसका मतलब वैसे दिख रहा है यही हो गया, आप केवल समझाने के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जैसे आपने रखा यहाँ पर मान लो 8 माइनस 2 कितना 6, 6 और 5 प्लस 2 7, ये भी कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही आपने एक्स के रखा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना 2, तो देखिए कितना 7/3, 1/3 यहाँ रख दीजिए, दिस इज ऑल्सो 7/3, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ दिस इज द राइट आंसर। ऐसी अक्सर मिस्टेक हो सकती है, डज नॉट इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, यहां मिस्टेक हुई सब कुछ गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझिएगा क्वेश्चन को। इफ एस एंड, मैंने हमें इस पेपर के लिए और हमेशा एक बात बोलता हूं, पेपर में ये देखो क्या बनता है, नहीं बनता छोड़ दो आप। इफ एस एंड एस डैश आर फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी इज द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस एंड बी एस एस डैश इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स ई पूछा है। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन, समझिएगा, बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ये एलिप्स है, ये इसके 2 फोकाई हैं और ये माइनर एक्सिस, ये बी है, ये एस, ये एस डैश, ये मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। मैं यहाँ बना लेता हूँ अलग से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये ओरिजिन है, ये ए ई कॉमा 0 है, ये माइनस ए ई कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा बी है, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए ई, ये एंगल है 60। खत्म। टेन 60 इक्वल टू बी अपॉन ए ई, 60 मतलब स्क्वायरिंग कर दो, रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट? तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन, मतलब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, देन 4 ई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन ई इक्वल टू निगेटिव होता नहीं है, तो 1/2 इज अ राइट आंसर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन थे, अब आपका बेसिक क्लियर है। मैं हमेशा बोलता हूँ फाउंडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन किस ढंग से करते हो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। नोट कर लो क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिएगा इस क्वेश्चन में। इफ कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 5x dx इक्वल टू ए 1 साइन 2x प्लस ए 2 साइन 4x प्लस ए 3 साइन 6x प्लस ए 4 साइन 8x प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ ए 1 ए 2 ए 3 ए 4, और इस तरह के ऑप्शन दिए 1/2 1/4 1/6 1/8 1/8 1/16, इस तरह के आपको ऑप्शन दिए, पर सभी ऑप्शन एक चीज याद रखिएगा प्लस के हैं। जैसे मैं ऑप्शन ए आपको बताता हूं कि ए 1 1/2 ए 2 1/4 ए 3 1/6 ए 4, इस तरह के ऑप्शन से, मैं अभी ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम इस बात को समझे पहले इसको करना क्या है। अगेन क्लास में मैं सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला पूछता हूं या जो कोर्स में, वो ये है कॉस ए कॉस बी क्या होता है, ये सबसे ज्यादा, ये कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी क्या होता है, और एक साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर देखिए एक मिनट कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री, यस, तो कॉस ए कॉस बी कितना कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड रिमेंबर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपल, अब मैं स्टेप वाइज कम करूं
तो देखिए ऐसा क्या होता है, सारा खेल इस बात पे कि हम कितनी स्टेप्स लिख रहे हैं, cos x, cos 2x, cos 5x, ऐसा है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करूं तो ऐसा समझिएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी एंड दिस इज cos 5x, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड तो 1/4 इन दोनों के साथ लगेगा, तो cos 8x प्लस cos 2x इन दोनों के साथ लगेगा, तो cos 6x प्लस cos 4x, राइट। अब देखिए साइन 2x से स्टार्ट किया 2, 4, 6, 8, तो हम भी वैसा ही अरेंज कर लें, मतलब मैं इसका 1/4 बाहर लिखूं और मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए कितना, सबसे पहले cos 2x फिर cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x एंड dx, क्वेश्चन सॉल्व कैसे, 1/4 दिस इज साइन 2x बाय 2, साइन 4x बाय 4, साइन 6x बाय 6, साइन 8x बाय 8 प्लस c। अब आपसे मैं बोलूं a1 तो आप बोलोगे 1/8, a2 1/16, a3 1/24, a4 1/32। अब अगर मैं देखूं तो ये 1/8, 1/16, 1/24, 1/32 बी ऑप्शन में है, यानी बी इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है, इफ इफ एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज रियल, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इसका मिनिमम बताना है। मान लो ये एफ एक्स जैसा फंक्शन जैसा है तो एफ मिनिमम बताना है। मैं कुछ आपको लॉजिक समझाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को मेथड पे जाएंगे तो टाइम भी लगेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, रूट्स निकलेगा, सेकंड पे वेरीफाई करेंगे, नो नीड। पहले सुनिए, अब इसका मिनिमम बताना, मैक्सिमम नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं अगर एक्स की जगह जीरो रख दूँ तो वन मिलेगा, वन मिलेगा मतलब टू और थ्री तो हो ही नहीं सकते, जब वन टू और वन थ्री से छोटा आंसर है वन, एक चीज। अगर मैं x की जगह थोड़ी देर के लिए सोचिए वन रख दूं तो क्या होगा, वन माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, वन बाय थ्री। अब वन बाय थ्री 0.33 होता है, ये 0.5, ये इससे भी छोटा है, यानी आपको दिख रहा है कि जब 0.33 मिल रहा और इन चारों में सबसे छोटा नंबर यही है, देन दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी करेक्ट आंसर इज 1/3, 1/3 इज अ राइट आंसर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे तो आपको वन एक पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, पर आपको लॉजिक भी समझ में आ गया कि किस लॉजिक से मैंने बताया। नोट करिए क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इफ साइन स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस साइन टू एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई देन एक्स, देन एक्स, एक्स पूछा है क्या होगा, कुछ इस ढंग से ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं बट ऑप्शन से इतना जल्दी नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में। जो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी, सबसे बेस्ट ट्रिक होती है स्टेप सेविंग, उससे अच्छी ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती ट्रिक, वो आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 7π/12 to 9π/12 इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, क्या करेंगे क्वेश्चंस में जरा ध्यान से समझिएगा, आप खुद ही कर लोगे क्वेश्चंस को। साइन स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस साइन टू एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान दें तो ये साइन एक्स है अपॉन कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो साइन क्यूब एक्स तो पहले ही हो गया और एक साइन और आ गया, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, स्टेप कम लिख रहा हूँ, बाद में समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कम करिए, माइनस ऑफ साइन 2x लिखा रहने दें, इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, यस और नो।
क्योंकि साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है कि साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वन, वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक चीज बताइए, ये भी हमने करा था, साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स को डायरेक्टली लिखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे? क्योंकि आप इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप इसको जब वन माइनस लिखेंगे तो एक तरह से आपको मिलेगा वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा तो साइन टू एक्स हो जाएगा, तो टू साइन ऑफ साइन टू एक्स इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी कैंसिल। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू। देखिए कितनी स्टेप्स बचा ली, स्टेप्स ही आपका सबसे, क्योंकि ये पेपर इतना लेंथी था कि स्टेप सेव नहीं करेंगे तो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा मैथ्स के 15-20 क्वेश्चन। साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब एक चीज समझिएगा कि साइन निगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स, टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब लॉजिकली सेवन पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स, पर 2 का इसमें डिवाइड भी होगा क्योंकि वैसे भी 0 से पाई दिया है, तो 7 पाई बाई 12 कॉमा 11 पाई बाई 12। देखिए कोई है? यस, दिस इज द राइट आंसर, 7 पाई बाई 12 कॉमा 11 पाई बाई 12 इज अ राइट आंसर। अब समझिए इस क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स। आपने इसका एलसीएम लिया, ये रिजल्ट आया, ये ऐसे ही लिखा रहा। अब इसको भी मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि क्या लिख सकते थे। अब वो एक और स्टेप बताइए कि जब ये लिख सकते थे तो अपॉन में हमारे दिमाग में साइन एक्स कॉस एक्स था, वैसे ही सोचिएगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया कि इसके साथ डिवाइड हुआ तो ये आ गया, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन, तो ऊपर बचेगा टू साइन एक्स कॉस एक्स और वो साइन टू एक्स हो जाएगा और ये भी साइन टू एक्स है, तो टू टाइम्स ऑफ साइन टू एक्स मिल गया और साइन टू एक्स इक्वल टू दिस वन, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज log base 3 x plus 2 x plus 4 plus log base 1 by 3 x plus 2 less than 1 by 2 log base root 3 7। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि किस उसमें सॉल्यूशन होगा, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 से 3, माइनस 1 से 3, 3 टू इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए एक चीज समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, कि आपको लॉग की बेस में अगर कोई पावर है, एम पावर एन तो आपको पता एन लॉग एम होता है, पर अगर बेस में भी कोई पावर है पी पावर क्यू एम पावर एन, तो एन बाय क्यू लॉग बेस पी एम। अगर मैं देखूं तो ये 3 की पावर माइनस 1 बाय 3 लिखा है, राइट, 3 की पावर माइनस 1, ये टाइम भाई बचाना चाहिए, ये 3 की पावर 1 बाय 2 लिखा है और इसके अपॉन में 1 बाय 2 आएगा तो ये 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल भी हो जाएगा, यानी एक तरह से आप देखें और यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा। पहली स्टेप मैं अगर चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये डिवाइड हुआ तो केवल x प्लस 4 बचा, लेस देन आपको यहाँ पर मिला लॉग बेस 3 7। यानी इतनी स्टेप आप सेव कर सकते थे, क्या क्या करा, लॉग बेस 3 x प्लस 2 x प्लस 4 माइनस लॉग बेस 3 x प्लस 2 लेस देन 1 बाय 2 लॉग बेस 3 7 और ये 1 अपॉन 1 बाय 2 तो ये कैंसिल। इतनी और लॉग m बाय l आया तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बट x प्लस 2 जब कैंसिल कर रहे हैं तो याद रखना ये ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 2 होना जरूरी है, राइट, माइनस 2 होना जरूरी है, क्योंकि ये देखें तो माइनस 4 और माइनस 2 में बाद में माइनस 2 आएगा, तो एक चीज अपने को समझ में आ गई कि माइनस टू के साथ ही चलना पड़ेगा। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, अब दोनों के लॉग सेम है, दोनों के लॉग सेम है तो एक तरह से आपने एंटी लॉग ले लिया, तो आपको ऐसा मिल गया एक्स प्लस 4 लेस देन 7 यानी एक्स लेस देन 3, 3 से छोटा माइनस 2 से बड़ा तो माइनस 2 टू 3 इज अ राइट आंसर, माइनस 2 टू 3 इज अ राइट आंसर, राइट। आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते थे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बता रहा है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन टेन ए इक्वल टू पूछा है, ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं 15/16, 8/15, 8/17 एंड 1/2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, जरा समझें। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को बता रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस बी माइनस सी इन टू ए प्लस बी माइनस सी। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो याद रखिए एस इक्वल टू होता है 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो 2s यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर देखिए a प्लस सी बचेगा, a प्लस सी, तो a प्लस सी को आप लिख सकते हो 2s माइनस बी, यानी बेसिकली 2s माइनस टू बी इन टू 2s माइनस टू सी। डेल्टा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ b और c है ना, तो बी सी साइन सी साइन ए सॉरी इक्वल टू 4, 2 इसका कॉमन 2 इसका, तो s माइनस बी एस माइनस सी। अब थोड़ा सा याद करिए कि साइन हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसका मतलब हाफ बी सी, हाफ बी सी, साइन ए को लिख सकते हो 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 इक्वल टू 4, ये बी सी का डिवाइड कर दीजिए आप, ये BC अगर यहाँ आ जाए अगली स्टेप में लिखिएगा, तो हम इसे साइन स्क्वायर बी ए बाई टू लिख सकते थे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बाई टू। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, ये इधर गया तो 1/4 इक्वल टू टेन ए बाई टू। यस और नो? 1/4 इक्वल टू टेन ए बाई टू। टेन ए पूछा है, तो टेन ए का अगर मैं हाफ एंगल फार्मूला यूज करूँ तो 2 टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। पेपर करते जाओ बनने लगेगा 2/4 अपॉन 1 माइनस 1/16, यानी 1/2 अपॉन 15/16, यानी 8/15। दिस इज द राइट आंसर, 8/15 इज अ राइट आंसर। याद रखिए मैंने बी सी को यहाँ किया, स्टेप कम लिखता हूँ इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ किया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये साइन ए है, इसका हाफ एंगल से एक साइन कैंसिल, तो हमने 10 की वैल्यू निकाल ली 1/4, और टेन ए का हाफ एंगल फॉर्मूले से टेन ए बाई टू की वैल्यू पुटअप कर दी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।